गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ क्योंकि अभी मैं अपने घर में हूँ और बहुत ही खुश हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा घर होम टूर। तो मिडिल क्लास फैमिली का होम टूर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। कोई हाई फाई कुछ नहीं है, तो छोटा सा मेरा घर है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हमारा घर। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है हमारा घर और मैं मेन रोड पे खड़ी हुई हूँ। तो मेन रोड से उतरते ही जो है ये रास्ता आप देख रहे हो, इससे हम जाते हैं हमारे घर में। तो ये हमने रिसेंट बनाया है ये रास्ता और ये ब्रिज, एक साल ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। लॉकडाउन के समय से ही हमारा काम चल रहा था तो सिर्फ ये कंप्लीट हुआ है। और सामने जो रूम है ये ससुर जी का रूम है और एक बरामदा जो है सामने बनेगी, अभी तो नहीं बन रही है, बाद में जब बनेगी तो उसे ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और ये यहाँ पे जो है थोड़ी सी खेती बाड़ी करी हुई है और यहाँ पे इधर एक गली है और यहाँ पे जो है सारे पौधे वौधे लगे हुए हैं। और इस वाले गली से हम अंदर जाते हैं हमारे घर में, तो ससुर जी के रूम से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो इधर से मैं आती हूँ ज़्यादातर हमारा घर। तो राइट साइड में है हमारा मेरा रूम और यहाँ पे सामने है मेरे सास ससुर का रूम और यहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो ये एक बरामदा है, यहीं पे अभी हम खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में ही एक ऐसा रैक रखा हुआ है, यहाँ पे चावल आटा रहता है और ऊपर सब्जी रहती है और यहाँ पे जो है बर्तन रहते हैं, पानी की बोतल और चाय के कप और अंदर जो है खाने का सामान है। और यहाँ पे जो है हम खाना बनाते हैं, यहाँ पे गैस रखी हुई है, यहाँ पे नीचे बर्तन है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है इस वाले फिल्टर में और नीचे एक बाल्टी भरी रहती है। और वो रूम मैं नहीं दिखाऊंगी, तो वो सास ससुर का रूम है वहाँ पे। और इधर राइट साइड में जो है हम मेरा रूम है और यहाँ पे घुसते ही जो है सामने एक खिड़की है और राइट साइड में एक अलमारी है, शोकेस बोल सकते हो। तो शोकेस अभी खाली पड़ी हुई है, ऐसे ही नॉर्मल चीज़ है क्योंकि हम चीज़ें तो ले गए हैं जमशेदपुर में। तो ऐसे ही बेटे का रखा हुआ है कैरम बोर्ड, वहाँ पे एक सरस्वती माँ की फ़ोटो है, फ़ोटो मीन्स मूर्ति है ये। तो ये जब मेरे बेटे को हमने हमारे यहाँ पे बोलते हैं हाथे खोरी, जब बच्चे पहली बार पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसे पूजा देनी पड़ती है। तो हमने तब पूजा दी थी जब 2 साल का था मेरा बेटा, तब हमने उसके हाथ में हाथ खोरी देते हैं बोलते हैं हाथे खोरी, तब हमने दी थी। और यहाँ पे ऐसे ही मेरे रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये लेके जाऊँगी मैं। और ये घड़ी चलती नहीं है और ऐसे ही पड़ी हुई है और ये बहुत दिन हो गई, ये अलमारी बहुत पुरानी है शोकेस, तो ऐसे कलर वलर उठ गया है अभी, ये ठीक नहीं है, इसे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है कुछ साड़ियाँ रखी हुई है मेरी, तो ये है। और ये खिड़की जो है, खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखता है, तो बाहर जो है बहुत जंगल है यहाँ पे, ये सब कोचू बोलते हैं, कोचू का पेड़ है ये और इधर जंगल है और ये कोचू का पेड़। और उधर देखो सिर्फ खाली खाली माठ और माठ फील्ड बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो इधर ऐसा दिख रहा है। और एक पास की आंटी का घर है और हमारा रूम है इधर और यहाँ पे एक बेंच रखी हुई है और ये हमारे बैग हैं जो हम जाएंगे जब लेके जाएंगे, तो ये हमारे बैग रखे हुए हैं जब जाएंगे तो लेके जाएंगे। और मैंने ये निकाल के रखे हैं कपड़े क्योंकि आज हम दीदी के घर जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी लेके जाएंगे। और यहाँ पे एक है बिस्तर, तो ये एक बेड है और यहाँ पे हम सोते हैं। और इस साइड में है मेरी ड्रेसिंग टेबल, तो ये ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे सामान कुछ है नहीं, तो ये सब मैंने पैकेट ही करके रखा है क्योंकि ये लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ सामान है अभी निकाले हैं मैंने आई हूँ तो। और यहाँ पे एक हमारी फ़ोटो है बहुत सालों के, बहुत साल पहले की है ये क्योंकि तब निकू हुआ नहीं था, निकू होने के पहले का ये फ़ोटो है हमारा।
और यहाँ पे एक ऐसी रैक रखी हुई है और यहाँ पे एक टीवी है। तो ये टीवी, ये पुराने मॉडल का टीवी है ना, तो कहीं आ नहीं रहा था, तो ऐसे मेरी सासू माँ ने एक बक्सा है उसके ऊपर एक टूल रख के ये रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पहले वाला टीवी था तो यहाँ पे वॉल पेर लगी हुई थी, तो हम लेके चले गए हैं। ये रिसेंट लिया है ये वाला टीवी, तो ये देखते हैं मेरे सासू माँ और ससुर जी। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ पे टीवी का तार है और ऊपर एक शिव जी और पार्वती माँ की फ़ोटो है और वॉल में ऐसे तितली लगी हुई है। तो तितली सब उड़ गई है, और भी तितली थी, सारी तितलियाँ उड़ गई हैं पता नहीं कहाँ। और यहाँ पे मेरे मोर के पंख ला के रखे मैंने इस वाले वॉल पे। और यहाँ पे ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये तो लेके जाएंगे हम। और यहाँ पे इस वाले वॉल पे हमारे लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगी हुई है, तो यहाँ पे हम पूजा देते हैं। ये वाला आसन ऊपर लगाया हुआ है ऐसे। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, तो ये आसन बहुत छोटा है। तो बड़ा आसन भी है, हमारे नीचे था पहले, पर इस वाले रूम में नहीं था, पहले हमारा दूसरा घर था। घर मीन्स रूम अलग सा था, तो इसलिए बड़ा आसन था तब। तो मेरा बेटा जब छोटा था ना, तो वो बहुत भगवान की फ़ोटो वोटो सब नीचे लेके आके खेलता था, इसलिए जो है वो वाला आसन ऊपर उठा के रखा है अभी सनसेट में ससुर जी के घर रूम में। और अभी ये छोटा वाला आसन ऊपर ऐसे लगा लिया है, तो बाद में जब हम हमारा घर अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा रूम है, अभी रूम और बनाना पड़ेगा, तो फिर हम वो बड़ा वाला आसन जो है हम नीचे यूज़ करेंगे। और अभी ऐसे ही जो है पूजा हम करते हैं ऊपर। और इधर से एक ही दरवाज़ा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे जो है इस वाले वाल में भी एक कांच लगी हुई है, और एक यहाँ पे आलना बोलते हैं हम, ये आलना भी खाली है। तो हम कुछ आए हैं तो ये थोड़े से कपड़े मैंने रखे हुए हैं वैसे खाली, तो यहाँ पे जो है पुराने कपड़े रखे हुए हैं। ये मेरा बैग है और ये सब खाली पड़ी हुई है, और ये तो दिखाया है मैंने आप लोगों को पुराना वाला। और ये ऐसे ही है, और छोटा सा रूम है मेरा, तो बाद में हम रूम करेंगे, अभी तो इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। बाहर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये वाला दरवाज़ा जो है लगा लिया है मेरे सासू माँ ने लगाया है, तो ये रिसेंट लगाया है, क्योंकि ये यहाँ पे गैस रखी हुई है ना, तो गैस जो है डेली लेके जाओ, अंदर लेके बाहर आओ, इसलिए जो है ये दरवाज़ा लगाया है बहुत बड़ा, तो इसे नया लगाया है, पहले नहीं लगाया था। तो यहाँ पे जो है इसे खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अब रूम जो है हमारा बनेगा, इसलिए खाली पड़ी हुई है जगह। और यहाँ पे एक केले का पेड़ है जो अब तक केला हुआ नहीं है, तो बहुत लंबा हो गया है केले का पेड़, पर अभी तक केला हुआ नहीं है। और यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ है ये, और यहाँ पे भी मिर्ची लगाई हुई है, यहाँ पे भी मिर्ची हुई है, देखो मिर्ची का पेड़, यहाँ पे एक मिर्ची का पेड़, और यहाँ पे भी एक मिर्ची का पेड़ है। तो ये सब खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे है हमारा पानी आता है नल, तो यहाँ पे सारा दिन ऐसे पानी आता रहता है, गिरता रहता है पानी। और यहाँ पे है ये है एक कल बंगाली, यहाँ पे सबके घर में ऐसा हो रहता है, तो इससे ऐसे पानी निकलता है, तो इसमें सारा दिन रात पानी रहता है। और यहाँ पे हम नहाते भी हैं और पानी भी भरते हैं पीने का पानी। और यहाँ पे एक नारियल का पेड़ है जो बहुत ऊंचा हो गया है, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, दो नारियल आए हैं इस फर्स्ट टाइम, वो देखो नारियल। तो ये जब मेरी शादी हुई थी, बहुत छोटा था पेड़, नीचे था यहाँ पे
अभी ये बड़ा हो गया है 10 सालों में, 9 सालों में ये बड़ा हो गया है। और एक है और दो है नारियल का पेड़, ये देखो ये अभी छोटा है। और यहाँ पे भी है नारियल का पेड़, और यहाँ पे ऐसे पूरा घेरा हुआ है। पर कल जो है बहुत, तो कल जो है बहुत जो है हवा चली थी तो ये ऐसे गिर गई है, ये वाला घेरा ऐसे गिर के नीचे हुए, तो इसे भी ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आम के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ आम के पेड़ है, इनमें आम आया नहीं है। और यहाँ पे पानी गिर रहा है। यहाँ पे एक कटहल का पेड़ है, तो इसमें 3 कटहल आए हुए हैं, 3-4 सालों से कटहल आ रहे हैं इस वाले पेड़ में। तो नीचे से शुरुआत हुई थी तो धीरे धीरे ऊपर चली गई, तो इस बार नीचे एक भी नहीं हुआ है, सब कटहल है। हमारे तुलसी का पेड़, यहाँ पे तुलसी का पेड़ लगाया हुआ है, तो ये तुलसी का आंगन है हमारे। और ऐसे कुछ दिखता है ये गली, तो ये यहाँ से उठ के ही जो है हमारा, हम जाते हैं जो इधर से जाते हैं और ऐसे करके जाके इधर जो है मेन रोड है ऊपर, वहीं से हम गाड़ी ले लेते हैं। तो गाड़ी लेने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, ये देखो ऑटो टोटो गाड़ी ऐसे सारा दिन रात चलती रहती है। तो ये है हमारा रास्ता घर से। और यहाँ पे एक शोरूम लगी हुई है, मारुति नेक्सा शोरूम। तो कैसा लगा हमारा घर ज़रूर कमेंट करके बताना, और विशेष करना हम अच्छे रहे खुश रहे, और आप भी अच्छे रहे खुश रहे हम भी विशेष करते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरी वीडियो पे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बोलो।